देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शेखपुरा में चुनाव ड्यूटी के लिए संजय गांधी महिला कॉलेज आए 50 साल के अरविंद सिंह की मौत। अनूपपुर में हर घर हर जन तक पहुंचकर मतदान के लिए प्रेरित करने का जिला प्रशासन का चल रहा अभियान। सुपौल सदर बाजार के वार्ड नंबर 4 में लाल बहादुर मंडल के आवास पर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक हुई संपन्न। चकाई लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने पहुंचे पदस्थापित ASI अली आजम सड़क किनारे गिरने से घायल। और भिंड में मेला में मोटरसाइकिल स्टैंड पर डबल पर्ची मांगने पर हुआ विवाद, लड़कों ने दी धमकी। शेखपुरा में चुनाव ड्यूटी के दौरान संजय गांधी महिला कॉलेज में आए 50 साल के अरविंद सिंह की मौत हृदय गति रुक जाने से हो गई। शेखपुरा में चुनाव ड्यूटी के लिए संजय गांधी महिला कॉलेज में आए 50 साल के अरविंद सिंह की मौत हृदय गति रुक जाने से हो गई। मृतक लखीसराय जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के इंदुपुर गांव के अरविंद सिंह हैं, जो लखीसराय समाहरणालय में कार्यरत हैं। हाँ, ये कल 9 तारीख को ज्वाइन किए चुनाव में और आज सुबह इनका संजय गांधी महिला विद्यालय में कल रुके थे और आज सुबह इनका ये हार्ट अटैक आया, बेहोश हो गए। उसी समय जब हम लोग को जानकारी हुई उस समय में आए, इनको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन की तरफ से कोई भी? जी नहीं, कोई उधर से कोई सुविधा नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। मौत हो गया जी। मृतक के परिजनों ने कहा कि समय अगर इलाज कराया जाता तो जान बच सकती थी, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। संवाददाता रंजन कुमार की रिपोर्ट HBN न्यूज। अनूपपुर में हर घर हर जन तक पहुंचकर मतदान के लिए प्रेरित करने का जिला प्रशासन का अभियान सतत रूप से चल रहा है। इस अभियान में आम जन भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अनूपपुर में हर घर हर जन तक पहुंचकर मतदान के लिए प्रेरित करने का जिला प्रशासन का अभियान सतत रूप से चल रहा है। इस अभियान में आम जन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी का प्रण है कि शत प्रतिशत मतदान को अनूपपुर की पहचान बनाकर लोकतंत्र के इस द्वीप का प्रकाश घर बनने की। इस अभियान को पूर्णता प्रदान करने के लिए आजीविका समूह द्वारा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता शपथ, मतदाता पाठशाला, विविध प्रयास पर लक्ष्य 100% मतदान की प्राप्ति। आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा आगामी 29 अप्रैल 2019 को 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत पुष्प राजगढ़ विकासखंड के ग्राम सालर गोंदी सरई पतेरा बहपुरी जैतहरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम खोली चचाई वीरान देवरी मानपुर पोड़ी जीवन ज्योति संकुल संगठन अनूपपुर और कोतमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पथरौड़ी और संकल्प संकुल संगठन बिजुरी में मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन कर शपथ दिलाई गई। इस दौरान नागरिकों को मतदान दिवस के दिन दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। अनूपपुर ब्यूरो लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट HBN न्यूज। सुपौल सदर बाजार के वार्ड नंबर 4 स्थित लाल बहादुर मंडल के आवास पर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक सम्पन्न हुई। जिला अध्यक्ष श्री निवास सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चिकित्सा प्रकोष्ठ के तमाम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सुपौल सदर बाजार के वार्ड नंबर 4 में लाल बहादुर मंडल के आवास पर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष श्रीनिवास सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चिकित्सा प्रकोष्ठ के तमाम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर अभिनंदन यादव जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक डॉक्टर लाल बहादुर मंडल के गोपगढ़ स्थित वार्ड नंबर 4 में आयोजित की गई है, जिसमें जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी हैं और पूरे जिला से हमारे प्रखंड अध्यक्ष वगैरह मौजूद हैं। यहां पर NDA के प्रत्याशी जो लोकसभा सुपौल संसदीय क्षेत्र से दिलेश्वर कामत जी हैं, उनको जिताने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और इन लोगों के माध्यम से जिला के हर कोने में गाँव गाँव में जाकर के ये लोग सो अपने डॉक्टर को जागरूक करके और घर घर पहुंच करके डॉक्टर को जागरूक करके भारी बहुमत से हम लोग दिलेश्वर कामत जी को जिताने का प्रयास करेंगे, ताकि केंद्र में फिर से मोदी सरकार बने और यहाँ जो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका सुशासन और ज्यादा मजबूत हो और धरातल
एलबी मंडल, डॉक्टर सुभाष, राधेश्याम मेहता, नजीर आलम, मोंगालाल साहू, देव नारायण शर्मा, सुमित्रा कुमारी, आशुतोष कुमार, रामकिशोर चौधरी, प्रकाश कुमार, मोहम्मद सज्जाद शंभू चौधरी, फूल सरदार, चूल्हा शाह, दिलीप पाल मौजूद रहे। संवाददाता शमसुल हुदा की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने चकाई पहुंचे दरभंगा जिला के बहरा थाना में पद स्थापित एएसआई अली आजम सड़क किनारे गिरने से घायल हो गए। स्टेटिक्स टीम के सदस्य अली आजम को बूथ संख्या 166 विशनपुर में चुनाव कराने के लिए लगाया गया था। चकाई लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने चकाई पहुंचे दरभंगा जिला के बहरा थाना में पदस्थापित एएसआई अली आजम सड़क किनारे गिरने से घायल हो गए। स्टेटिक्स टीम के सदस्य अली आजम को बूथ संख्या 166 विशनपुर में चुनाव कराने के लिए लगाया गया था। चुनाव बूथ पर जाने की कड़ी में बुधवार रात करीब 7 बजे चकाई रेंजर ऑफिस के पास उनका पैर फिसल गया और वो हथियार समेत जमीन पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल मतदान सुरक्षा कर्मी को चकाई एसआई संजीत कुमार और पुलिस कर्मियों की मदद से इलाज के लिए चकाई रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर की टीम द्वारा घायल पुलिसकर्मी का इलाज किया जा रहा है। वहीं इसकी सूचना चकाई प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिलते ही घायल एएसआई का हालचाल लेने चकाई रेफरल अस्पताल पहुंचे। घायल एएसआई अली आजम मुंगेर जिला के सीताकुंड थाना के निवासी हैं। संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। भिंड में लगे मेले में मोटरसाइकिल स्टैंड पर कुछ लड़कों ने बाइक स्टैंड पर उन लोगों से डबल पर्ची मांगकर दोनों रुपए लेकर धमकी दी और उनसे बदतमीजी की। भिंड मेला में मोटरसाइकिल स्टैंड पर कुछ उहा के लड़के ने बाइक वाले लोगों से डबल पर्ची मांगकर दोनों रुपए लेकर उनकी मोटरसाइकिल लेकर धमकी दी। भिंड से संवाददाता गंगाराम दैपुरिया की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एचबीएन न्यूज। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर।